गुरु ग्रंथ साहिब बाग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि गुरबानी में जिन जिन दरख्तों का, जिन जिन बूटों का, जिन जिन झाड़ियों का जिक्र हुआ है, वो किसी कारण से हुआ है। गुरुओं ने इन पेड़ों की महत्ता को समझा और गुरबानी में ये शामिल हुए। ये दुनिया का पहला ऐसा बाग है जहाँ पर इन पेड़ों के बारे में हमें सिर्फ सुनने को नहीं मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। आज शहर के बच्चे पेड़ों के नाम शायद जानते हों, पर वो दिखते कैसे हैं, उनके फल कैसे स्वाद में है, उनका फूल कैसा दिखता है, किसी को नहीं पता। तो ये पहली बार एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर आप पूरे परिवार के साथ आकर अपने धर्म ग्रंथ के बारे में सीख सकते हो, गुरबानी के बारे में सीख सकते हो और अपने देसी पेड़ पौधों के बारे में भी सीख सकते हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई बच्चा या बड़ा यहाँ एक बार घूम के चला गया तो पूरे पंजाब में वो कहीं पे एक बूटा भी लगाएगा तो असली बूटा लगाएगा, खालिस बूटा लगाएगा जिसका गुरबानी में जिक्र हुआ है। बाहर से इतने सारे पौधे आए, हमने लगा लिए, अपनी धरती ख़राब कर दी। यूकेलिप्टस आया, और भी कितने सारे पौधे हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, इनके फ़ायदे क्या, इनके नुकसान क्या। पर क्योंकि इस जगह का इतिहास 500 साल पहले, 1000 साल पहले यहाँ पर जो पौधे प्राकृतिक तरीके से उगते थे उन्हीं को यहाँ पर लगाया गया है, और ये एक अपने आप में एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी अच्छी जगह बनती चली जाएगी। यह उपराला जड़ा पत्तो हीरा सिंह नगर की जड़ी इस इतिहासिक धरती से, इस पवित्र धरती से जिथे चार गुरुआ जी का जड़ा है चरण छो प्राप्त जड़ी धरती है, ये साढ़े सारे वास्ते बड़ी मान की गल है और सानू फख्र महसूस होता है कि ईको सिख सोसाइटी ने उन्होंने इत्थे आ के ये सारा जड़ा प्लानिंग करके और इनू ये जड़ा एक मिनी फॉरेस्ट मैं इनू कहाँ चिड़ी जे मैं कहाँ ये प्लान करके इत्थे प्लांटेशन करके इनू सारा तैयार करके ते इनू गुरु ग्रंथ साहब बाग का नाम दिता। तो सही कहा कि एक सुपना सीगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हां दरख्तां बिरखां बूटियां का जिक्र है उन्हां दा एक बाग किसी जगह पर बने, लेकिन बहुत साल यो सुपना जिमें मैं कह सकी खाना बदोश ही रहा, लेकिन ये माण जांदा पिंड पत्तो हीरा सिंह जी दे लोकां नूं जिस धरती ने धरती ते ये बाग सजाया गया गुरु ग्रंथ साहिब बाग, और ईको सिख ते पैटल ते खोसा कलस्टर ये शामिल ने जिन्हां दी पहलकदमी नाल ये काम होया, और ये अपने इसकी बहुत वड्डी महत्ता कि अपनी किस्म का पहला बाग असीं इहनूं कहांगे दुनिया का कि जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब बाग के नाम से सिरजा गया। और साडे युग च इहदी बहुत अहमियत है क्योंकि इस वेले सब तो वड्डे जो दुनिया के मसले आ उन्हां च सब तो प्रमुख मसला है वातावरण ही आ। तो गुरु ग्रंथ साहिब वो पावन ग्रंथ है जिहदे विच मेरे ख्याल च किसी होर पावन ग्रंथ विच कुदरत दा जां रुखां बूटियां दा इन्ना ज़्यादा जिक्र नहीं कि गुरु साहब एक तरह दुनिया नूं भी कहिंदे कि बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, कि दुनिया भी एक बिरख है, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे कुछ तत्ते कुछ बोलन मिठे। किवें जीवन जीविया जाए दी जाच जे सिखाई है तो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी दे विच अंकित हो के आई है। अज क्योंकि असं मटरलिस्टिक बहुत हो चुके हैं, अखा नाल वेखण वाला जिहड़ा कुछ भी नैकड आई राही जो कुछ वेखदा है बस असी इस तक आ जग मिठा अगला कंडिठा ते केंद्रित हो गए। नुकसान ये हो गया कि हवा भी खिसकती नज़र आ रही है, सैकंड वेव वाले सैचुरेटड ऑक्सीजन के हालात सीगे, और इस तरह नाल साडे कोलों पानी खिसकदा नज़र आ रहा, पोल्यूटड वाटर हो गया, खुराक जी है वह खुद किन्नी मतलब जहरी हो गई है। तो इन सब के मद्देनज़र जोड़ा है वर्तमान समय के गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने मेहर करके अपन प्यार वाली सारिया संस्थाव जिन्हों सारे ही जोड़े है मतलब कि योगदान पाने वाले ने गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के नाम से यह बाग जोड़ा है उन्होंने बनाया गया। अज ये जी है मतलब कि संपूर्ण हो चुका हूँ, यहाँ है हौली हौली डिवेलप होएगा।